व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। व्यूअर्स, आज आपको लेकर आया हूँ एक जापानीज़ ब्रांड है मोशी, और उसकी आइसक्रीम है माउची, वो टेस्ट करेंगे आज। इस ब्रांड के बारे में काफ़ी सुना था, इसकी ख़ास तौर पे जो आइसक्रीम है वो टोटली डिफरेंट कंसेप्ट है। अभी आप देखेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा, और अगर आपने टेस्ट की हुई है या आप टेस्ट करेंगे तो भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये इस वक्त मैं आपको इनकी खबर वाली ब्रांच में लेकर आया हूँ। फ़र्स्ट टाइम जब मैं रियाद बुलेवार्ड गया था वहाँ पर ये इसका ब्रांड देखा था, तो वहाँ पे मैंने टेस्ट की, बहुत अच्छी लगी मुझे, तो अब ये खुबर वाली ब्रांच में आपको लेकर आया हूँ। छोटे से इन्होंने अपने ये फ्रेंचाइज़ को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त जो है इसकी फर्निशिंग की हुई है। यह आइसक्रीम, इसमें ये पहली सॉल्टेड कैरामल है, फिर ये स्ट्रॉबेरी है, और वह थर्ड नंबर पर चॉकलेट है। अब आपको देखकर ही अंदाज़ा हो गया होगा कि ये आइसक्रीम की एक टोटल डिफरेंट टाइप या डिफरेंट वैरायटी है। इसी तरह से ये छोटे छोटे सर्कल में, और इस तरह आपको ये कटिंग करके पीसीज में मिलेगी, और इनकी ये एक स्पेशल स्टिक है उसके साथ खाई जाएगी। मैं इनके तकरीबन 5-6 फ्लेवर ट्राई कर चुका हूँ। मैंगो आइसक्रीम भी इनकी ट्राई की है, और तकरीबन सारे ही बहुत अच्छे लगे हैं, लेकिन ज़्यादा जो मुझे अच्छा लगा वो इनका सॉल्टेड कैरामल है। कॉफ़ी अभी तक मैंने इनकी ट्राई नहीं की, ज़्यादा इनकी आइसक्रीम के बारे में ही सुना था, तो वही टेस्ट की है। इनकी एक आइसक्रीम जो एक सर्कल है वो तकरीबन 13 रियाल, और अगर आप तीन डिफरेंट फ्लेवर लेते हैं या मल्टीपल ऑफ थ्री लेते हैं, यानी 3, 6, 9, तो इनकी डिफरेंट ऑफर्स होती हैं, कुछ आपको ऑफ कर देंगे। इनके आइसक्रीम के हर फ्लेवर का अपना एक स्पेसिफिक फ्लेवर है जो किसी भी दूसरे ब्रांड से मैच नहीं करता, और आपको बहुत अच्छा लगेगा इनके आइसक्रीम का फ्लेवर। मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके लिए इजी हो, फिजिबल हो, जब भी आपका जाना हो तो इस आइसक्रीम को ज़रूर टेस्ट करें, आप इंजॉय करेंगे। इनके जो ज़्यादा फेमस फ्लेवर हैं उनमें सॉल्टेड कैरामल है, मिक्स बेरी है, स्ट्रॉबेरी है, मैंगो है। व्यूअर्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। ओके, टेक केयर।